फ्रेंड्स आई एम योर मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम टॉपिक बेसिक ज्योमेट्री सो लेट्स स्टार्ट आर लिसन. यू ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स बुक्स द टिफिन बॉक्स द बॉल विद विच यू प्ले दिस ऑल आर शेप्स ज्योमेट्री हमारे आसपास के सारे शेप्स में है हम जहाँ देखें वहाँ ज्योमेट्री है जो टिफिन बॉक्स हम ले जाते हैं उसका एक डेफिनेट शेप है जो बॉल हम खेलते हैं जिससे उसका एक डेफिनेट शेप है जीमेट्री एक ग्रीक वर्ड जो से बना है जियो का मतलब है अर्थ और मथ्रॉन का मतलब है मेजरमेंट तो इसका मतलब क्या हुआ अर्थ्स मेजरमेंट ज्योमेट्री हमारे आसपास के सारे शेप्स में है एंगल्स में है लाइन्स लाइन सेगमेंट्स कर्व्स हर जगह ज्योमेट्री मौजूद है इट इज़ प्रजेंट इन एवरी सिंगल प्लेस वी लुक एट लेटर्स डिमसल्स आर मेड अप ऑफ लाइन्स लाइन सेगमेंट्स एंड कर्व्स लेटर ए तीन लाइन से बना है लेटर बी एक लाइन दो कर्व से बना है ऐसे ही सारे लेटर्स लाइन्स ऑफ कर्व से बने हैं टेक अ मिनट एंड लुक अराउंड द रूम यू आर इन जरा नज़र फेरो कितने सारे एंगल्स हैं कितने सारे शेप्स हैं कितने सारी सराउंड है टेक अ नोट कि कुछ टू डायमेंशनल है और कुछ थ्री डायमेंशनल है अच्छा डायमेंशन का मतलब तो पता है न टू डायमेंशनल मतलब जो सपाट हैं जो एक प्लेन में आ जाते हैं और थ्री डायमेंशनल जो हमारी तरह हाइट पोजेस करते हैं मतलब जिनकी हाइट भी होती है अच्छा कंस्ट्रक्शन देखा है आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का टेम्पल्स का सारा आर्ट और आर्किटेक्चर पूरी जो सिटी बनी है हमारी ये सब ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है सारी बड़ी बड़ी जगहें जो हम देखते हैं सब ज्योमेट्री से जुड़ी हुई है आज भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर को जब हम डिज़ाइनिंग देखते हैं सब ज्योमेट्री से जुड़ा है तो चलिए अब ज्योमेट्री के आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले आते हैं पॉइंट्स पे ये जो मैप दिख रहा है मैप में इंडिया की अलग अलग जगह डॉट्स से रिप्रेजेंट करी हुई हैं ये सारे जो डॉट्स हैं ना ये पॉइंट्स हैं दिस मैप शोइंग डिफरेंट स्टेट हर लोकेशन को डिनोट करने के लिए एक पॉइंट यूज़ होता है वी यूज़ पॉइंट टू डिटरमाइन द लोकेशन इन ज्योमेट्री डॉट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स पॉइंट्स का किसी स्पेसिफिक लोकेशन को या पोजिशन को दिखाने के लिए यूज़ होता है इट इज़ नाइदर हैव एनी साइज नॉर डायमेंशन नॉर लेंथ नॉर ब्रेथ पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती अब इतना छोटू पिद्दू सा तो है उसकी क्या लेंथ होगी उसकी क्या ब्रेथ होगी एक डॉट है एक पेंसिल लो और उससे एक डॉट बना दो उसे हम पॉइंट बोलते हैं इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं कोई भी एक शार्प पेंसिल से पॉइंट बनाओ उसे कैपिटल लेटर ए बी सी डी जो तुम्हारा मन करे वो नाम दे दो तो क्या हो जाएगा वो एक पॉइंट हो जाएगा और वो एक लोकेशन को बताने लगेगा पॉइंट को हम बहुत अलग अलग तरीके से जॉइन कर सकते हैं अगर हम एक पेपर पे चार पॉइंट बना दें पी क्यू आर एस ठीक है दिख रहे हैं ना पी क्यू आर एस तो हम उन्हें अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और उनका नाम हम सिंपली उन्हें ऐसे ही बोलेंगे पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर और पॉइंट एस ठीक है पॉइंट समझ आ गए पॉइंट के बाद हम थोड़ी बड़ी चीज बातें हैं जो है लाइन सेगमेंट अच्छा इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक रबर लो और उसके अपने दोनों हाथ पे पकड़ो और खींच दो क्या हुआ वो स्ट्रेच हुआ स्ट्रेच हुआ वो क्या बन गया वो एक लाइन सेगमेंट बन गया टेक अ रबर बैंड एंड होल्ड इट इन टू एंड्स ठीक है होल्ड इट इन टू एंड्स सच दैट इट मेक अ स्लैक लैक मेक अ स्लैक का मतलब वो स्ट्रेज होना चाहिए वो ऐसे टंगा हुआ नहीं होना चाहिए ठीक है तो बस हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या हुए हमारे जो दो हाथ हुए ना जो रबर बैंड को पकड़े हुए हैं वो लाइन सेगमेंट के एंड्स हुए टू एंड पॉइंट हेल्ड बाई दी हैंड आर देंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट अ लाइन सेगमेंट हैजिक्स एंड इट कैन बी मेजर्ड मतलब हमने इतना बड़ा रबर खींचा है तो जो उसकी लेंथ है ना वो फिक्स है और हम स्केल्स से उसे मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट पी लिया एक पॉइंट क्यों लिया उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड हेंस इज डिफाइंड एज अ फिक्सड लेंथ मैंने अभी बताया उसकी फिक्सड लेंथ होती है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं ठीक है मतलब समझ आया ना जैसे इधर आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं एम और एन और उसकी एक डिफाइनइट लेंथ है आगे बढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एनी टू पॉइंट्स एम एन एम आई मार्क्ड ऑन द शीट उनको जॉइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हम उसे कर्व पार्ट में जॉइन कर सकते हैं हम उसे जिक्जैक्ट पार्ट में जॉइन कर सकते हैं हम उसे आड़े टेड़े सर्कुलर पार्ट में ज्वाइन कर सकते हैं हम बहुत तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनमें होता है ना वो होता है स्ट्रेट लाइन वाला उससे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं और उससे हम ए बी से डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट एक लाइन सेगमेंट है उसकी डिफाइनाइट लेंथ होती है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं हम कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स के दो एजेस को ले सकते हैं उनके भी डिफाइनाइट लेंथ होती है उनके भी दो एंड पॉइंट्स होते हैं हम आस पास जहाँ भी देखें ना हर सर्फिस की एक लाइन सेगमेंट होती है अब लाइन सेगमेंट समझ आया मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिए तो अब लाइन्स पे आते हैं लाइन्स क्या होती हैं लाइन्स आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ ठीक है एक पॉइंट है दूसरा उसको हमने इस साइड भी बढ़ाते गए इस साइड भी बढ़ाते गए इन्फिनिटी तक बढ़ाते गए इन्फिनिटी का मतलब पता है ना ख़त्म नहीं हो रहा दोनों साइड तक तो हम उन पॉइंट्स को एक लाइन अरेंज करते गए करते गए करते गए करते गए क्या बन गई एक लाइन बन गई जो दोनों साइड में ख़त्म ही नहीं हो रही है हम लाइन को प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लाइन क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होती ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ अ लाइन सेगमेंट एम एन इज एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ एम फ्रॉम वन साइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एन फ्राम अदर साइड देन इट विल मेक अ लाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट थे उसके दो एंड पॉइंट थे एक एम था एक एन था एम से भी आगे बढ़ा दी एन से भी आगे बढ़ा दिया तो वो लाइन सेगमेंट का क्या हो गया वो एक लाइन हो गई लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं हम लाइन को डिनोट करते हैं अगर लाइन पर दो पॉइंट है एम एन तो हम एम और एन के ऊपर डबल हेडेड आर डबल हेडेड आर आपको दिख रहा है ना यार एक लाइन उसके इस साइड भी आर का फेस और इस साइड भी आर का फेस ठीक है डबल हेडेड आर से रिप्रेजेंट करते हैं अ लाइन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब एक लाइन बनाई उसको स्मॉल एल स्मॉल एम स्मॉल एन किसी से भी डिनोट कर दिया अब लाइन्स पढ़ ली तो चलिए रेस पे आते हैं रेस क्या होते हैं रेस होती है जो एक पॉइंट से फिक्स्ड होती है और एक पॉइंट से बढ़ती चली जाती है मतलब क्या लाइन सेगमेंट दोनों पॉइंट से फिक्स होता है लाइन दोनों पॉइंट से फिक्स नहीं होती रे एक पॉइंट से फिक्स होती है और एक पॉइंट से बढ़ती चली जाती है अ रे इज़ एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इट स्टार्ट्स विद अ कॉमन पॉइंट एंड गोज़ एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जैसे ए बी दे है तो ए बी के ऊपर एक सिंगल एरो मतलब लाइन में डबल हेडेड एरो था ना दोनों साइड इसमें सिंगल हेडेड एरो ये रे को रिप्रेजेंट करता है रेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं सबसे ज़्यादा तो लाइट रेस फेमस है ट्यूबलाइट से जो रेज आ रही हैं वो भी सिंगल डायरेक्शनल होती हैं सन से जो रेज आ रही हैं वो भी वन डायरेक्शनल होती हैं इसलिए सब रेज होती हैं अब हमने पढ़ ली है लाइंस लाइन सेगमेंट्स रेज और पॉइंट्स अब हम आते हैं प्लेन्स में अच्छा प्लेन्स क्या होते हैं प्लेन्स बहुत थिन फ्लैट सरफेस होती है जिसकी कोई हाइट नहीं होती थिन फ्लैट सरफेस मतलब अच्छा आप देखेंगे ये जो है ना ये एक प्लेन है क्यों मतलब हम जो भी चीज़ छूते हैं हमारी कॉपी का जो पन्ना है वो एक प्लेन है क्यों क्योंकि उसकी कोई हाइट नहीं होती अ प्लेन इज सेट टू बी अ वेरी थिन फ्लैट सर्फिस दैट डज नॉट हैव एनी थिकनेस एंड इट हैज़ नो लिमिट मतलब कोई लिमिट नहीं है वो बढ़ती चली जाती है टेबल सर्फिस हो या कोई भी सर्फिस हो उसकी कोई लिमिट नहीं होती वो कभी ख़त्म नहीं होती अब हमारा घर का फ्लोर देख लीजिए बढ़ता चला जाता है अगर हमारे घर का फ्लोर ख़त्म हो जाएगा तो आगे रोड आ जाएगी वो भी एक सर्फिस है रोड ख़त्म हो जाएगी कोई और बिल्डिंग आ जाएगी उसमें भी एक सर्फिस है मतलब कोई लिमिट नहीं है प्लेन का प्लेन लिमिटलेस है और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती प्लेन के एग्जाम्पल्स तो हमने बताई दिए टेबल सर्फिस घर का सर्फिस surface, सारे सर्फिस एक प्लेन है आर वर्ल्ड हैज़ अ थ्री डायमेंशन बट ओनली टू डायमेंशन इन अ प्लेन हमारे वर्ल्ड में थ्री डायमेंशन है मैंने डायमेंशंस का बताया था ना हम हाइट भी पोजेस करते हैं लेकिन प्लेन में सिर्फ दो डायमेंशन होते हैं लेंथ और विथ जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और वाई से अ no प्लेन हैज़ नो थिकनेस एंड गोज ऑन फॉर एवर प्लन पढ़ लिया ठीक है लाइन्स पढ़ ली थी याद है ना लाइन्स पढ़ी थी लाइन्स के दो टाइप्स होते हैं एक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स और एक होती है पैरल लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स जिन लाइन का एक म्यूचुअल पॉइंट होता है दो लाइन्स अगर एक पॉइंट पर आकर मिल रही है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं मतलब ये एक लाइन है बढ़ती चली जा रही है ये दूसरी लाइन है बढ़ती चली जा रही है ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है

फॉर एग्जाम्पल इफ टू लाइन्स पास थ्रू पॉइंट पी देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इस पॉइंट पे मिली तो ये जो पॉइंट था ना जहाँ मिली उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे अ लाइन एल वन एंड एल टू आर इंटरसेक्टिंग ठीक है एल वन ये दिख रहा है ये एल वन और ये एल टू ये दोनों इंटरसेक्टिंग है और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर टेबल की जो एंड वर्टेक्स है वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है क्यों क्योंकि उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है ठीक है अब आते हैं दूसरे टाइप पे मतलब पैरल लाइन्स पैरले लाइन्स क्या होती हैं जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती पैरल लाइन्स का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी होता है मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की उल्टी होती हैं इन अ प्लेन इफ टू लाइन्स हैव नो पॉइंट इन कॉमन देन दे आर सेट टू बी पैरल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स पैरल लाइन्स नेवर मीट कट और क्रॉस ईच अदा ये दो लाइन है ये सीधे सीधे जाती जा रही हैं ठीक है थीके? ये जाती जा रही हैं जाती जा रही है जाती जा रही है, है लेकिन ये कभी किसी पॉइंट पे जाके नहीं मिलने वाली हैं ये कभी मीट ही नहीं करेंगी इसलिए इन्हें हम पैरल लाइन्स बोलते हैं पैल लाइन्स नैर मीट कट और क्रॉस ईच अदा इफ टू लाइन्स एम वन एंड एम टू आर पैरल दे आर रिप्रेजेंटेड बाई देखो ये वाली लाइन एम वन और ये M2 टू पैरले लें ठीक है पैरले है तो हम इन्हें रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं M1 दो डंडे M2 ठीक है आगे बढ़ते हैं पैरले लाइन्स आर दोज लाइन्स विच डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है हमारा रेलवे लाइन्स का आपने ट्रेन से तो जाते हो ना रेलवे लाइन्स देखी होंगी यूँ जाती है यूँ जाती है कभी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं पैरले लाइन्स अच्छा स्कूल में स्केल यूज किया है स्केल की एजेस देखी हैं वो भी कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं वो भी पैरले लाइन्स हैं पैरले लाइन्स के बहुत सारे यूजेस हैं अपना टेबल देख लो डेस्क देखा है ना स्कूल में उसके जो लेग्स हैं वो भी पैरले होते हैं एक दूसरे को कभी क्रॉस करते हैं क्या नहीं ना तो बस हमने पैरले लाइन्स पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया आज हमने जियोमेट्री क्या होती है पढ़ा हमने लाइंस क्या होती है पढ़ा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं पढ़ा पॉइंट्स क्या होता है पढ़ा रेस क्या होते हैं प्लेन क्या होते हैं हमने इंटरसेक्टिंग और पैरल लाइंस के बारे में पढ़ लिया सो आई होप यू इन्जॉयड द लर्निंग फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और यू हैव एनी क्वेरी काइंडली गो टू द फॉलोइंग लिंक थैंक यू